प्रभु सोमेश्वर। देखिए मेरे सोने आंचल को, आपने अपने ही प्रसाद पुष्प से इसे भरा था, किंतु अब ये रिक्त हो गया। इसे पुनः भर दीजिए प्रभु। एक माँ की गुहार सुनिए। सदैव के लिए नहीं तो एक बार उसे दिखा दीजिए, उसे देख लूंगी तो मेरे व्याकुल हृदय को शांति मिल जाए। माँ की ये करुण पुकार आपको अवश्य ही द्रवित कर देगी सोमेश। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी अहो भाग्य हमारे जो हम ऐसे शुभ अवसर पर आए जब प्रभु राम का युवराज पद के लिए अभिषेक होना है। अब देखना यह है कि इस प्रसन्नता के अवसर पर हमें देखकर सब प्रसन्न होते हैं या नहीं, क्योंकि हमारे साथ ही हनुमान की विदाई अयोध्या से हो रहा है। चलिए देवी। राजकुमार श्री राम के लिए राजमुकुट लाया जाए। राम भले ही हो जाए तुम्हारा अभिषेक, किंतु मैं चुप नहीं बैठूंगी। राम 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 राम
पुरोहित, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया आरंभ करिए। प्रज्वलित करिए अपनी खोह। किंतु लंकेश, आप ये मत कीजिए। आपके बिना राज पुरोहित, आपको जितना कहा जाए केवल उतना करिए। चिता को अग्नि लगाइए। लंकेश, ये कायरों का पाठ कब से सीख गए हो लंकेश? सारे संसार को अपने चरणों में झुकाने की शक्ति रखने वाला लंकेश, आज निर्बलों की तरह आत्मत्याग करने की सोच रहा है। तो आप क्या चाहते हैं गुरुदेव? उस धूर्त नारायण को मैं अपनी मृत्यु का श्रेय दे दूं? सारा संसार उसके गुण गाए। नाहे गुरु रावण ये कदाई नहीं होने देगा। मेरी मृत्यु से छलिय नारायण को अवतार लेना ही व्यर्थ हो जाएगा। परोहित, लंकेश, अपने दृष्टिकोण को उलट कर देखो। सोचो, रावण के कारण स्मरण किया जाएगा उस नारायण के अवतार। रावण नहीं तो नारायण भी नहीं। यदि उस नारायण के अवतार को परास्त कर दिया तो? किंतु ऐसा हो का रहा है गुरुदेव। शांत लंकेश, इसका भी हल है मेरे पास। हल? रावण युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए जितना महत्व प्रहार करने का है, उतना ही महत्व बचाव का भी है। यदि युद्ध में शत्रु को नहीं मार पा रहे तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि शत्रु भी तुम्हें नहीं मार पाए। किंतु ऐसा हो कैसे सकता है गुरुदेव? अमरता प्राप्त कर। अमरता? स्पष्ट कहिए गुरुदेव, अमरता कैसे प्राप्त हो सकती है? अमृत पान के द्वारा। देवताओं ने समुद्र मंथन के समय छल से अमृत प्राप्त किया था, जबकि तुम राक्षसों का भी उस पर उतना ही अधिकार था। इसलिए छल या बल से किसी भी तरह अमृत प्राप्त करो। किंतु स्मरण रहे, अमृत प्राप्त करना उतना सहज नहीं। सहज कार्य तो वैसे भी रावण को नहीं भाता गुरुदेव। आप केवल मार्गदर्शन करिए गुरुदेव के करना क्या है।
हनुमान आज अंतिम बार मुझे अपने हाथों से लड्डू नहीं खिलाओगे? प्रभु, अंतिम बार मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रतिदिन लड्डू खिलाऊंगा। जय जाएंगे हनुमान को। तो सुनो रावण, अमृत मंथन के पश्चात समस्त देवताओं एवं त्रिदेव ने मिलकर अमृत की सुरक्षा का दायित्व चंद्रदेव को सौंप दिया था, क्योंकि चंद्रदेव शीतलता प्रधान देवता है। चंद्रदेव, अमृत का रखवाला, वो क्या रखवाली करेगा अमृत की मुझसे? उसे तो स्वयं मैंने बंदी बना लिया था। इतने उतावले मत हो दशानन, पहले पूर्ण सत्य को जान लो। चंद्रलोक में किसी अज्ञात स्थान पर कड़ी सुरक्षा में अमृत को रखा गया है, जो दिव्य विद्युत तरंगों से रक्षित है। और उन विद्युत तरंगों के बाहर दैवीय शक्ति से सज्जित रक्षक उस स्थान की रक्षा कर। गुरुदेव, कोई रक्षक रक्षा नहीं कर पाएगा अमृत की। अमृत अब केवल रावण का होगा, केवल रावण का। रावण, समस्त देवता ही नहीं, त्रिदेव भी अमृत की सुरक्षा के लिए चंद्रदेव की सहायता हेतु आगे आ सकते। राहु की दुर्गति भी इसी कारण हुई। यदि अमृत पाना है तो एक कोई बड़ा कारण ढूंढना होगा तुम्हें। साम दाम दंड भेद, जैसे भी हो अमृत प्राप्ति को लक्ष्य बनाना है तुम्हें। आप निश्चिंत रहें गुरुदेव, रावण को ज्ञात है कि उसको क्या करना है। वानर, अब तो तुझे जाना ही होगा यहाँ से। भरत भैया,
वैद्यराज जी आ गए हैं। हनुमान भैया को ले जाएंगे क्या ये? प्रणाम महाराज दशरथ। प्रणाम। और आप सबको भी प्रणाम। प्रणाम। महाराज दशरथ और युवराज राम, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अयोध्या में आपका स्वागत है वैद्यराज। हनुमान, मेरे सभी पापुत्र, सभी पापुत्र, वैद्यराज जी, आप बड़े ही शुभ अवसर पर आए। आज आपको हमारा आदर आतिथ्य स्वीकार करना ही होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु हम तो रमता जोगी बहता पानी है, कहीं रुकते नहीं। हम तो केवल यहां हनुमान को लेने आए। हनुमान, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा पुत्र। वैद्यराज जी, क्या हनुमान कुछ और दिन तक यहाँ पर नहीं रुक सकता? वैद्यराज जी, कुछ ही दिन तो हुए हैं हनुमान को यहाँ आए। वैद्यराज जी, हनुमान ने हम सबके हृदय में स्थान बना लिया है। कुछ दिन और यहाँ रुक जाता तो बहुत अच्छा होता। महारानी जी, हनुमान के लिए हनुमान की माँ मार्ग पर नेत्र टिकाए हुए प्रतीक्षा में व्याकुल हो रही होगी। उनका एक एक पल कैसे कट रहा होगा, उनके विषय में भी तो कुछ सोचिए। हनुमान, आप ही मना कर दो ना जाने से। भैया, आप ही कहिए ना हनुमान को कि ना जाए। हाँ राम भैया, आप ही कहिए ना हनुमान भैया को कि ना जाए। हनुमान, मैं तुम्हारी दुविधा समझ रहा हूँ, किंतु मैंने तुमसे कहा था ना, सृष्टि परिवर्तनशील है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है, अर्थात प्रकृति को जाने वाली शीत ऋतु का दुख नहीं है, आने वाली बसंत की प्रसन्नता है। मन के नेत्रों को खोलो,
और फिर देखो मैं हूँ तुम्हारे हृदय में। प्रभु को हृदय में बसाकर सुमेरु ले जाएगा। प्रभु अब आप मुझे आज्ञा दें। श्री राम जय हनुमान। प्रभु श्री राम जय हनुमान। हनुमान, राम भैया के प्रति तुम्हारा असीम प्रेम देखकर मुझे तुमसे ईर्ष्या होने लगी थी। मुझे क्षमा कर दो हनुमान। और ये आभार की भेंट स्वीकार करो। लखन भैया, आप भी प्रभु से असीम प्रेम करते हैं ना, इसीलिए ऐसा हुआ। और ये मेरी ओर से मेरे प्रिय हनुमान भैया के लिए। ये मेरी ओर से भेंट। मैं भी आपके लिए भेंट लाई हूँ। इतनी प्रेम, इतनी स्नेह भरी भेंट। ये भेंट तो मेरे जीवन में सबसे बड़ा उपहार है। देव, माता पिता और प्रभु जो देते हैं वो दिखाई नहीं देता, किंतु वो जीवन का सबसे सर्वोत्तम उपहार होता है जो जीवन भर साथ रहता है। मेरे प्रभु भी मेरे साथ ही रहेंगे,
मेरे हृदय में। महाबली हनुमान। नारायण नारायण, जब भक्त को भगवान मिल गए फिर उसे किसी और वस्तु की अभिलाषा नहीं रह जाती। हनुमान तो पूर्णतया ही राममय हो गए हैं। हाथ में राम, मुख में राम, हृदय में राम, रोम रोम में राम। हनुमान, अनुपम भक्ति है तुम्हारी। नारायण नारायण। पुत्र हनुमान, तुम अद्भुत बालक हो। तुम्हारा राम के प्रति निस्सीम प्रेम एवं तुमने जो अयोध्या की रक्षा की उसके लिए मैं तुम्हें सदैव स्मरण रखूंगा। प्रणाम माते। चिरंजीव भव। हनुमान चले सुमेरु, तुम्हारी माँ के नेत्र व्याकुलता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अवध को छोड़ेंगे क्या हनुमन, दुविधा में आया सब का मन, सभी उदास सभी हैं आतुर, क्या चाहते हैं मारुति चातुर। अल्पकाल यह अवध प्रवास, कुछ दिन रुकते राम के पास, पूरन सकल कामना किसकी, ब्रह्म देव विधिया हरिहर की। अंजना, रुक जाओ अंजना। क्या नाहस क्या हो गया महाराज? पुत्र के विछो में
भ्रमित कर दिया है महारानी के मस्तिष्क को। कहीं बावली ना हो जाए महारानी अंजना, न जाने क्या होने वाला है। उधर केसरी जी एक ज्योति से दूसरे महाज्योति के पास गए हुए हैं ताकि हनुमान की वापसी का उपाय मिल सके, और इधर अंजना विक्षिप्त होती जा रही है पुत्र वियोग में। माँ संतान को जन्म से पूर्व अपनी कुक्षी में पालती है, जन्म देकर दुग्ध पान से उसका भरण पोषण करती है, एक गुरु की भांति उसे संस्कार और शिक्षा देती है। यही कारण है कि माँ अपनी संतान से आत्म रूप से भी जुड़ी हुई होती है। संतान के हर सुख दुख का, उसके साथ घटने वाली हर घटना का किसी न किसी रूप में माँ को भी आभास हो ही जाता है, भले ही वो कितनी भी दूर हो अपनी संतान से। प्रभु, मुझे मेरी माँ के करुण पुकार का आभास हो रहा है, ना जाने मैं कैसी होंगी। वेदराज जी, आपने हनुमान से मेरा मिलन कराकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब आप शीघ्र ही हनुमान को इनकी माता से मिला दीजिए। अवश्य युवराज राम, चलो हनुमान। लाओ ये समस्त उपहार इस जोली में डाल दो। उचित मुहूर्त के समय किए गए कार्य कभी भी असफल नहीं होते, तो शोधन करो एक ऐसे उचित मुहूर्त का। कितना भी बड़ा संकट आए किंतु अमृत प्राप्ति में मुझे कोई भी विफलता नहीं मिलनी चाहिए।
ज्योतिषाचार्य सांकेतिक भाषा नहीं प्रत्यक्ष कही है। लंकेश, इन नौ महाज्योतिषियों की गणना बता रही है कि आने वाली महापूर्णिमा अमृत प्राप्ति के लिए सबसे उचित तिथि होगी। लंकापति, ऐसी महापूर्णिमा 108 वर्षों के पश्चात आ रही है। हाँ लंकेश, हर वर्ष की महापूर्णिमा की भांति ही इस वर्ष भी संसार में अमृत वर्षा करने के लिए अमृत कलश में उबाल आएगा, किंतु इस बार ये उबाल अधिक तीव्र होगा, जिससे चंद्रलोक भी असंतुलित हो सकता है। और एक विशेष बात, चंद्रमा पर शनि के भारी पड़ने की संभावना है। लंकेश, ग्रहों की चाल दर्शा रही है कि चंद्रदेव का अभिमान शनि देव के साथ उसके संघर्ष का योग बनाएगी। लंकेश, घर परिवार का संघर्ष से हमेशा ही बाहर वालों को लाभ मिलता है। अब देखना यह है कि इन ग्रहों के विवाद से तुम कितना लाभ उठा सकते हो। ग्रह मंडल के आपसी विवाद का लाभ हम उठाएंगे। आपसी विवाद का लाभ हम उठाएंगे। रावण है हम। महापूर्णिमा के दिन अमृत हमें प्राप्त होगा। और हाँ, इस बार तो चंद्रदेव को बचाने वो वानर बालक भी नहीं होगा वहां। दे रहा, उसकी पुकार सुनाई दे रही, उसे कह रहा हूं मां मैं आ रहा हूं। अंजना, ये तुम्हारी मन की लगन है, जैसे भक्त को कण कण में भगवान दिखाई देते हैं, ऐसे तुम्हें हर और तुम्हारा पुत्र दिखाई दे रहा है, क्योंकि तुम्हारी लगन हनुमान से लगी हुई है। तुम चिंता मत करो, देखना हमारा हनुमान जहां भी होगा सकुशल होगा। हनुमान, क्या तुम्हें ज्ञात है जब हम अपने प्रियजनों से मिलने जाते हैं और अपने परिजनों के पास लौटता है तो उनके लिए कोई ना कोई भेंट लेकर जाता है। भेंट? हाँ भेंट। तुम इतने दिनों पश्चात अपनी माँ से मिलने जा रहे हो, उनके लिए कोई भेंट ली है या नहीं? अच्छा, हमें भी तो बताओ क्या लिया अपनी माँ के लिए।
है कुछ जो प्रभु श्री राम ने स्वयं दिया है, और मुझे माँ के लिए और कुछ भी ले जाना है। मैं अभी आया, माँ के लिए बहुत ही विशेष है, शीघ्र ही आ जाऊंगा। प्राप्ति ही तुम्हारा परम उद्देश्य होना चाहिए। प्रणाम दैत्य गुरु, जय लंकेश। तो आप भी इस महापूर्णिमा के लिए विशेष योजना बना रहे हैं लंकापति? किंतु ध्यान रहे, देवता भी अमृत की सुरक्षा के लिए विशेष योजना बना रहे हैं, इसलिए उन्होंने देवलोक में विशेष सभा बुलाई है। किंतु ये कि ग्रह मंडल के सभी ग्रहों को आमंत्रित किया गया है, मात्र मुझे, केतु और दैत्य गुरु शुक्राचार्य को नहीं बुलाया गया। अपमान, ये आपका अपमान है गुरुदेव। ये धृष्टता है इन देवताओं की। इस देव सभा की सारी सूचनाओं को हमें प्राप्त करनी ही होगी, और इसके लिए आवश्यक है देव सभा में सेंध लगाना। उपाय तो और भी है गुरुदेव। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है और करना क्या है। क्या लाए हो अपनी माँ के लिए, हमें भी तो बताओ। अभी नहीं, माँ के लिए है ना, माँ के पास जाकर बताऊंगा। अच्छा आप चलिए, आप चलते रहिए, मैं अभी आया। हाँ। थोड़ी देर विश्राम करो, तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। हनुमान, कहाँ जाने के लिए सज्जित हो रहे हो पुत्र? हनुमान! अंजना, हनुमान नहीं है यहाँ पे। हे प्रभु, कहीं अंजना विक्षिप्त हो जाए, का आसरा है प्रभु, न जाने हमारे सुखों पर किसकी क्रूर दृष्टि लगी। क्या है? जी, आपका ये झोला तो बड़ा ही अद्भुत है, कितना भी डालो भरता ही नहीं। बताओ तो सही, क्या है इसमें? ये तो आपको वहां जाकर ही ज्ञात होगा। वैसे अभी कितना समय लगेगा? पृथ्वी के मार्ग से चलेंगे तो कुछ दिन लगेंगे, और तुम्हारी भांति उड़ के जाएंगे तो शीघ्र पहुंच जाएंगे। ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं राहुल। तो सोचिए ना,
आप न्याय के देवता हैं, आपकी असीम शक्ति के समक्ष कोई नहीं टिक सकता, फिर भी आप ग्रहाधिपति क्यों नहीं हो सकते? यहां तक कि अमृत की सुरक्षा का दायित्व भी आपको न देकर के चंद्रदेव को दे दिया गया। चंद्रदेव पे शनि की दशा आनी है, उन्हें चंद्र के खिलाफ उकसा के और मजा आएगा। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह मंडल में तो क्या कहीं भी कोई भी आपको महत्व नहीं देता। आपकी पत्नी ने तनिक सी उपेक्षा के कारण आपको श्राप दे दिया। आपके पिताश्री सूर्यदेव वो चाहते तो आपको आपकी पत्नी के दिए गए श्राप से मुक्त कर सकते थे, किंतु उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। उसी श्राप के कारण आप अपने किसी भी प्रियजन को चाहते हुए भी सीधा नहीं देख सकते। राहुल, तुम मुझे भ्रमित करने का प्रयत्न मत करो, मुझे मेरा कार्य ज्ञात है। रावण से जाकर कहना कि त्रिदेवों ने मुझे जो दायित्व सौंपा है उसे पूर्ण करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे मेरे मार्ग से कोई विचलित नहीं कर सकता। लगता है इसका कोई फायदा नहीं हुआ, और कहीं ये क्रोधित होकर मुझ पर कुदृष्टि न डाल दें। अब चंद्रदेव को भ्रमित करने की बारी आ गई है। राहु, मुझे देव सभा के लिए विलंब हो रहा है, मेरे पास अभी तनिक भी समय नहीं है। मैं कहां आपका अधिक समय ले रहा हूं चंद्रदेव, दैत्य गुरु ने आपके लिए बधाई संदेश एवं उपहार भेजे हैं, इसलिए मैं यहां पर आया। इसके लिए दैत्य गुरु को धन्यवाद बोलना राहु, अभी मैं शीघ्र निकलता हूं। सभा तो आपके लिए ही बुलाई गई है चंद्रदेव, आपके लिए कुछ क्षण प्रतीक्षा कर लेंगे सभी देव। मेरे कारण कोई प्रतीक्षा करे तो ये अनुचित होगा राहु, सभा में समय पर पहुंचना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा, मैं किसी अन्य दिन ये सब लेकर आता हूं। वरुण देव की बुद्धि इस राहु ने भ्रष्ट कर दी थी, यदि ये मुझसे रुष्ट हो गया तो कहीं मेरे साथ भी कुछ ऐसा ना कर बैठे। राहु सुनिए, लाइए, मैं आपका ये उपहार स्वीकार करता हूं। इस उपहार से आवरण तो हटाइए देवी। बहुत सुंदर आभूषण है। मुझे विलंब होता जा रहा है, सब देव सभा में प्रतीक्षा कर रहे होंगे मेरी। चंद्रदेव, तुम्हें विलंब कराना ही तो उद्देश्य था मेरा। अच्छा, तो एक उपाय करते हैं, जैसे सुमेरु से अयोध्या तक आप मुझे अपने कंधे पर बिठा ले गए थे, और अब अयोध्या से सुमेरु तक मैं आप दोनों को अपने कंधे पर बिठाकर वापस सुमेरु ले जाऊं। उसके लिए कंधे पे बैठने की क्या आवश्यकता है, हम स्वयं भी उठ सकते हैं। अच्छा, आप उड़ सकते हैं, तो चलिए, वैसे भी कुछ क्षणों में रात्रि होने वाली है। चलिए, हाँ, हम शीघ्र ही पहुंच जाएंगे सुमेरु। सकते हैं, और इनका ये अद्भुत झोला। क्या हुआ हनुमान, हमें शीघ्र पहुंचना है, रुक क्यों गए?
समझ गया हूँ कि आप कौन हैं। कौन क्या? हम वैद्य हैं। देखिए, आप पर मिथ्या संभाषण शोभा नहीं देता, और माँ कहती है कि मिथ्या संभाषण पाप होता है। हम मिथ्या नहीं बोलते। अच्छा, तो आप उड़ भी सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, और आपका ये झोला, इसमें कितना भी डालो भरता ही नहीं है। चाहे इसमें पूरी सृष्टि समा जाए, जैसे भोले बाबा के चरणों में पूरी सृष्टि समा जाती है। आप भोले बाबा है ना, और आप पार्वती माता है ना, बताइए ना। प्रणाम माता। भक्त हृदय से कैसे छुप सकते हैं भगवान, फिर चाहे वो महादेव हो या नारायण, हनुमान, सत्य पहचाना तुम, ये तुम्हारे भोले बाबा ही हैं। और हनुमान, इन्होंने मिथ्या संभाषण नहीं किया था, ये जगत वैद्य हैं। इन्होंने तुम्हारा उपचार किया और तुम्हारे प्रभु राम का उपचार किया। हनुमान, तुम्हें जिस उद्देश्य के लिए ले जाया गया था वो पूर्ण हो गया है। तुम्हारे आराध्य राम से भी तुम्हारा मिलन हो गया है। भविष्य में राम काज के लिए पुनः तुम्हारा उनसे मिलन होगा। मैं तो सदैव ही प्रभु राम के काज के लिए प्रस्तुत रहूंगा। हाँ हनुमान, किंतु अब तुम्हें सुमेरु लौटकर पुत्र होने के कर्तव्य का पालन करना है। अपनी राजधानी और अपनी प्रजा के प्रति अपने दायित्व पूर्ण करने। जैसी आपकी आज्ञा भोले बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। हनुमान, तुम्हारी माता अंजना सुमेरु में तुम्हारे लिए अपना सोना अचल फैलाए व्याकुल हो रही हूँ। हम शीघ्रता से उड़कर महापूर्णिमा के पूर्व ही तुम्हें तुम्हारी माता के पास पहुंचा देंगे। चलो पुत्र। आपने मेरे हृदय की पीड़ा को समझकर मुझे मेरे हनुमान के दर्शन कराए थे। हनुमान। हनुमान नहीं, मैं हूं पुत्री, संभालो स्वयं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं महाराज केसरी को क्या बताऊंगी, उनकी अनुपस्थिति में क्या हो गया अंजना को। कैसे समझाऊं अपने आप को, मां? हर क्षण मेरे हृदय को आभास होता कि मेरा हनुमान मेरे पास आ रहा, उसकी पुकार गूंजती है मेरे कानों में। हनुमान,
मैं तुम्हारे हृदय की पीड़ा समझ सकती हूँ अंजना। जो हृदय के अधिक समीप होता है वो दूर रहकर भी अपनी उपस्थिति का आभास कराता है। हम सुमेरु आ गए हैं देवी। माँ, कोई कुछ भी कहे, मुझे आभास हो रहा है कि मेरा हनुमान मेरे पास आ रहा है। अंजना, महाराज केसरी पंपापुर के ज्योतिषियों के पास गए हुए हैं। वो अवश्य कोई ना कोई उपाय ले आएंगे हनुमान को वापस लाने के। महारानी जी, हो सकता है आपकी प्रार्थना से द्रवित होकर भगवान सोमेश्वर स्वयं ही कोई चमत्कार कर दे। प्रतीत होता है जैसे वो आज ही चमत्कार कर रहे हैं। मेरा हनुमान यही कहीं है, मुझे उसकी पग ध्वनि सुनाई दे रही है। माँ, हनुमान, कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? ये भ्रम ही है तुम्हारा अंजना। हनुमान तो वैद्यराज जी के साथ न जाने कहाँ हो। स्वप्न या सत्य? माता को मिल गए हनुमन, आंजनेय प्रिय शंकर सुवन। दान महाप्रतिदान का खेल, श्रद्धा और ममता का मेल। राममयी हनुमान को पाकर हर्षित है सुमेरु का कण कण। महादेव का महाप्रसाद हरता माँ का सकल विषाद। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान मेरे लाल, मैंने कहा था नानी से कि मेरा हनुमान आ गया। और देखो, भगवान सोमेश्वर ने तुम्हें भेज ही दिया। धन्यवाद कौरी की गैया। नहीं तो मुझे भी रोना आ जाएगा। मुझे तो अभी भी अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा। माँ, मैं
आपके लिए ढेर सारे उपहार लाया हूँ। प्रणाम वैद्यराज, प्रणाम वैद्यराज। की सुगंध है। आते हुए मार्ग में विशेष रूप से आपके लिए चुन चुन कर लाया हूँ मैं।